इतनी शक्ति हमें दे। मेहमान का स्वागत कर रहे सदा रहे सबके दिलों में प्यार आती रहे खुशियों की बहार रखकर मंजिलों की ओर कदम आप सभी का करते हैं। यादों का विशाल आकार संजो रखा है एक परिवार एक माला के मोती है सब एक माला के मोती है सब शिक्षा के मंदिर के ज्योति है सब नहीं है यहाँ केवल विद्यालय का प्रांगण नहीं है यहाँ केवल विद्यालय का प्रांगण यहाँ तो है स्नेह और भक्ति से सजा श्रीमती तुलसीबाई रंगलाल जी सांबड़ विद्या निकेतन का आंगन श्रीमती तुलसीबाई रंगलाल जी सांबड़ विद्या निकेतन का आंगन स्नेह और भक्ति से भरे इस आंगन में मैं जय श्री राम ने आप सभी मान्यवरों का तथा आदरणीय पालकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है मिस्टर मोहन जी देसर। He is very great personality. He is the pioneer of yoga of mind and healthy handwriting. He is former school principal with 30 years experience in teaching. Training and guiding people in learning, living and living a very happy life. His way of teaching yoga, graphology and handwriting are unique, scientific and result oriented. He has students from all over the world. He has conducted over 2000 workshops in school, colleges and corporates on yoga handwriting and graphology for students, teachers, UPSC students in India, Indian Army and police officers, doctor and other professionals from different fields. He conducted individual and corporate workshops on yoga of mind and graphology to empower people performance better in life. उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे संस्था के डायरेक्टर मैम से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे सम्मान चिन्ह पुष्प और किताब देकर सर का स्वागत करें। April 25, 2023 आज से 5 साल पहले 25 फरवरी 2018 को हमारे संस्था के सचिव आदरणीय स्वर्गीय प्रेमचंद जी झांबड़ सर का स्वर्गवास हुआ था। शिक्षा के प्रति उनका बड़ा लगाव था। अपना ज्यादा से ज्यादा समय वह स्कूल के लिए देते थे। उनके स्मृतियों को जागृत रखने के लिए हर महीने के 25 तारीख को सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों के लिए शिक्षकों के लिए तथा पालकों के लिए अलग अलग विषयों पर सेमिनार रखे जाते हैं। सेमिनार से नवनवीन जानकारी हासिल होती है तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। सर के द्वारा स्थापित इस संस्था के छात्र आज देश विदेश में संस्था का नाम रोशन कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए सम्माननीय बात है। उनके अथक परिश्रम से नांदुरा जैसे छोटे शहर में छात्र उच्चतम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
सर के द्वारा किए गए सभी कार्यों का निर्वहन हमारी संस्था की डायरेक्टर मैम सहजता से कर रही है। उनका प्रयास है कि दिनों दिन यह संस्था उन्नति की ही नहीं अपितु उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छू ले। उनके इस प्रयास को उनके ही प्रयास से इस साल अमरावती विभाग में सबसे पहले रोबोटिक्स जैसे विषय से छात्रों को अवगत कराया गया। कक्षा तीसरी से छठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए अभ्यासक्रम में रोबोटिक्स जैसा विषय रखा गया ताकि छात्र इस विषय में को समझे, सीखे और आधुनिक तंत्रज्ञान के युग में अपनी पहचान बनाए। डायरेक्टर मैम का हमें यह हर समय मार्गदर्शन मिलता है। वे हमारी डायरेक्टर ही नहीं बल्कि हमारी सहेली की तरह हमेशा सुख दुख में हमारे साथ रहती है। यह संस्था हमेशा प्रतिभा संपन्न छात्रों के भविष्य निर्माण में कार्यरत है और रहेगी। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा की नींव है हस्ताक्षर। सुंदर अक्षर हा दागिना समजला जातो। स्वच्छ सुंदर व वळणदार अक्षराला मोठ्या प्रमाणात महत्व आहे। शाळा कॉलेजपासून ते अगदी नोकरीच्या ठिकाणी सुद्धा सुंदर अक्षर खूप उपयोगी येते। परीक्षेत दिलेले पेपर तपासणारे पेपर तपासनीस तुमचे अक्षर जर सुंदर असेल तर तुमच्या अक्षराच्या जोरावर चांगल्यापैकी गुण देतात। पेपरमध्ये उत्तर कमी असेल, 100% बरोबर नसेल, तरीही तुम्ही तुमच्या सुंदर अक्षराच्या जोरावर पेपर तपासनीसाला गुण देण्यास भाग पाडू शकता। असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरू नये। शाईचा पेन असो, 2 रुपयाचा पेन असो किंवा 1000 रुपयाचे, शाईचा पेन असो, 2 रुपयांचा पेन असो किंवा 1000 रुपयांचे, अक्षराचे खरे सौंदर्य तर लिहिणाऱ्याच्या हातातच असते। अगर हँडरायटिंग की बात करें तो एग्जाम के लास्ट 15 मिनट में हर स्टूडेंट के अंदर डॉक्टर की आत्मा नजर आती है। पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधरने में चला गया और जिंदगी कीबोर्ड पर बीत रही है। आज हैंडराइटिंग आपसे कहती है, आज हैंडराइटिंग आपसे कहती है, परख से परे है यह मेरी शख्सियत, परख से परे है यह शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ जो समझे कदर मेरी, जो समझे कदर मेरी। एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। एक छोटा सा बदलाव अगर आपके हैंडराइटिंग सुधरती है तो आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आज हमारे साथ उपस्थित है सर्वगुण संपन्न प्रख्यात वक्ता, सुंदर हस्ताक्षरों के धनी, हस्ताक्षर तज्ञ मिस्टर मोहन जी रे। इनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग अ स्किल एंड माइंडसेट फॉर फ्यूचर जनरेशन, इस विषय पर प्रकाश डालकर हमें उपकृत करें। उपस्थित मंच पर सभी मान्यवरों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ वो मंच से नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार, मैं शिक्षक हूँ और मैं आपकी तरह एक पेरेंट भी हूं। मैंने भी बच्चे पाले हैं, बड़े किए हैं। जैसे संघर्ष आपका रहा है, मेरा भी सेम रहता है। माँ बाप अपना संघर्ष एक जैसा होता है सभी, चाहे कोई माँ बाप डॉक्टर है, चाहे कोई माँ बाप पियोन है प्रोफेशन से, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ बाप की जो सोच है अपने बच्चे के प्रति, वही सोचे जो एक राजा की अपने बच्चे की प्रति होती। एक बच्चे के लिए राजा उसका बाप होता है, रानी उसकी माँ होती है। उसी तरह से एक माता पिता के लिए
सबसे बड़ा हीरो उसका बच्चा होता है, उसकी बेटी होती है उसका बेटा होता है। इसमें कतई भी शक नहीं है। मेरी बात को आप बिल्कुल भी आप ऊपर की बात मत समझिए, ये बहुत सत्य वचन है। पिछले 30 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने नर्सिंग का बच्चा भी पढ़ाया है, स्कूल का बच्चा पढ़ाया है, कॉलेज का बच्चा पढ़ाया है, डॉक्टर को पढ़ाया है, इंजीनियर को पढ़ाया है, आर्मी ऑफिसर को पढ़ाया, सबको पढ़ाया है। मैंने पुलिस ऑफिसर को, मेरे स्टूडेंट्स अभी तक शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले होंगे, आईएएस आईपीएस तो बहुत है, हर जगह मिलेगी, हर शहर में मिलेगी, लेकिन आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बच्चे को काबिल बनाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये। बच्चे को काबिल बनाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, मैं इसको जोर दे रहा हूं। आपका ज्यादा पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा ना जो कागज का पढ़ा लिखा ना जानता नहीं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लिटरेसी बोलते हैं। लिटरेसी नहीं है, पढ़ना लिखना कोई शिक्षा नहीं होता। जो सच में शिक्षित होता है वो दीक्षित होता है, जो सच में शिक्षित होता है वो गुट्ठा छाप के हो सकता है, जानते थे बड़े बड़े संत जिनके नाम से आप मेले लगते हैं आपके आसपास में, पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा हो जाता है आपके पड़ोस में, वो शायद स्कूल भी नहीं गए होंगे। तो ये बात, इस मेरी बात को आप बहुत गहराई से समझिए कि मां बाप का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? जो भी आप बच्चे से उम्मीद करते हैं वो आप उम्मीद करते हैं, ध्यान रखना। वो बच्चे को नहीं पता उससे क्या उम्मीद करते, यानी कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये आप चाहते हैं, बच्चे को तो पता ही नहीं है। आगे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं मैं उनसे पूछता हूं आप डॉक्टर क्यों बने, कहते मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, या घर में ये फलाने डॉक्टर था, ये था घर में, माओ या बीच में कान में डाल देंगे तो मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा राजा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा, और बहुत से लोग इस तरह से डॉक्टर बने या इस तरह से कुछ प्रोफेशन चूज किया होगा। ये बात मानते हो आप? यस नो बोलो, मेरे साथ एग्री करिए, ये बात है, ये बात है। या कई लोग मेरे गुरु जी ने कहा है, आप ये करके देखो, या मेरे चाचा जी ने कहा, या ये करके देखो, क्योंकि मेरे चाचा जी पहले फौज में थे, उनको देख के मुझे भी लगा मुझे फौज में जाना फॉर एग्जाम्पल। तो यानी कि बच्चा कोई सपना लेके नहीं आ रहा है, वो हमसे सीखता है, वो हमसे सीखता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? घर में माहौल बहुत जरूरी है, घर का माहौल बहुत जरूरी है। अगर मैं टीवी देख रहा हूं और अगले पर बच्चा टीवी देख रहा है, अगर उसको डांटू तो ये पाप हो। अगर मैं फोन पे बैठा हूं, लगा हूं फोन पे, अगर बाई चांस मेरा बच्चा फ्री पे वही काम करने दिख जाए, वो मुझे बुरा लगता है, ये पाप हो, उसको नहीं डांटना। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सोशल मीडिया से दूर रहे, उसके सामने आप सोशल मीडिया यूज ना। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया खराब है, बहुत फर्क है, मुझे नहीं पता लगता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में अच्छी आदतें आए, सच में हीरो बने, तो आपको उनके लिए हीरो बनना पड़ेगा घर के अंदर। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पूरी आदतों से दूर रहे, तो आप अपने ध्यान में जाइए, अपने आप से पूछिए क्या मेरे अंदर वो अच्छी आदतें हैं जो मैं अपने बच्चे में देखना चाहता हूं। भगवान भी रोक नहीं सकता आपके बच्चों को वो बनने में जो आप चाहते हैं वो बने। इसलिए मां बाप का लिटरेट होना जरूरी नहीं है। उठा छाप मां बाप भी मैंने देखा है कि जिनके बच्चे आज देश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, मां बाप को उठा छाप है। माता जी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, लेकिन उनके बच्चे दुनिया को अक्षर ज्ञान दे रहे हैं,
हर लेवल पे कोई साइंटिस्ट है, कोई इंजीनियर है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में। आपके सामने मैं नाम नहीं लूंगा, आपको ध्यान आएगा, बहुत से हमारे देश में और हर लेवल पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके मम्मा बिल्कुल कभी स्कूल का मुंह नहीं देता, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन उनके बच्चे आज देश के लिए सिलेबस तैयार कर रहे हैं, सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेरी बात है, आपका ज्यादा पढ़ा लिखना बहुत जरूरी नहीं है। और फिर कहता हूं आपको, ट्यूशन कल्चर भी है हर जगह, इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ट्यूशन ना जाए, बाय चांस मैं किसी चीज के खिलाफ हूं, बच्ची से, तो उसके लिए आपको घर में माहौल देना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि हाँ, बहुत से आपकी बेटे हैं बड़े बड़े डीसीसी में, जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स है, ऐसे बच्चे बिना ट्यूशन ही नहीं हुआ, आईपीएस आईएएस बहुत से ट्यूशन नहीं लिया उन्होंने। मैंने पूछा उनसे, भैया ट्यूशन क्यों नहीं ले रहा, वो कहते हैं सर मैं जाऊंगा 10 बजे बीच बैठूंगा और फिर मैं वो सुनूंगा जो टीचर 10 बजे मुझे पढ़ा रहा है, तो कहते मेरे काम को तो नहीं हुआ ना, वो तो वही काम होगा, सुबह टीचर मेरा स्कूल में गया वही शाम को चल रहा है, कहते मेरे को लगा कहते पहले जाऊं थका हुआ कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या बात है, सच में जो बच्चा काबिल होता है वो इस बात को समझता कि हाँ मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो ये बात पेरेंट्स को भी पता होती है, ये पेरेंट्स को भी पता होती है, लेकिन क्या करें हम अपने संस्कारों के कारण जो है ना अपनी ही आदतों से मजबूर है, इसलिए बच्चों के सपनों से दूर है। फिर हम क्या करते हैं, कई बार गुस्से में बच्चे को डांटते हैं पीटते हैं, तुमने अच्छा नहीं पढ़ाई किया, ये नहीं किया, तेरे मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ये होना चाहिए। अब ये ध्यान दीजिए, हम उन पे गुस्सा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन। जब हम बच्चे को पीटते हैं घर में, हम उसको इसलिए नहीं पीटते कि सुधारना चाहते, हम अपनी कई फ्रस्ट्रेशन उसमें निकाल रहे हैं। मान लो मैं अपनी वाइफ को पीटना चाहता हूं, लेकिन मेरी वाइफ बहुत खूंखार है, तो मैं क्या करूंगा, बच्चे को पीट दूंगा, वाइफ को पीट नहीं सकता, सच बता रहा हूं, ये हो रहा है, हर घर में होगा। अब ठीक है, अच्छा अब अगर आप बच्चे को नहीं पीटना चाहते, घर में अगर कुत्ता है आप उसको पीट देंगे फिर। तो ध्यान देना, जब भी हम बहुत गुस्से में आते हैं हम अपनी भाषा को बाहर निकालते हैं, खासकर हम अपने बच्चों के साथ बहुत थानेदारी करना, थानेदार बन जाते हैं बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ हम देखेंगे जो मुझे। बच्चे को कभी नहीं पीटना चाहिए, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, प्यार से भी नहीं पीटना चाहिए, प्यार से भी नहीं पीटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप चाहे प्यार से पीटो चाहे उसको गुस्से से पीटो, तो वो आपकी हमारी अपनी ही फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। ये ध्यान रखना, इसका और कोई मतलब नहीं है, दूसरा तीसरा इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ आप 36 तर्क दे दो, आपके तर्क मेरे तर्क के आगे गिर जाएंगे, ये मेरे तर्क नहीं है, ये शाश्वत तर्क है। और मैंने बच्चों को बनते हुए देखा है, अगर आप चाहोगे जो आपने ख्वाब देखा अपने बच्चे के बारे में, ये ध्यान रखना ये ख्वाब आपका है बच्चे का नहीं, अगर आप चाहते आपका बच्चा बड़े होगे फलाना प्रोफेशनल बने, नाम लिखे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने, तो आपको घर में वो माहौल देना पड़ेगा। आई रिपीट, पेरेंट्स का ज्यादा पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है, हाँ आप एक रेगुलर रूटीन जरूर लाए घर में, आप कुछ मत करिए, आपको टीचर बनने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कहता हूं चुप करके से आप एक टाइम निकालिए घर में, रोटी संडे का टाइम निकालिए 10-11 बजे का, फुर्सत का साथ में चाय पीजिए, अखबार पढ़िए, बच्चे को प्यार से बुलाइए, चॉकलेट ले रखिए, बड़े चॉकलेट ना मेरा दिल कर रहा था देने का आपको, मैं सोचा था क्या देखो बस्ता उठाऊ उसका, बस्ता देखो बैग देखो उसका, बैठ के आपने कुछ ही देखो, पलटी मारो थोड़ी सी क्या किया ऐसे कर चुप करेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं तो हैंड राइटिंग पे नजर मारो उसे, लिखाई कैसे, ध्यान देना मेरे लिए जो हर फेस मुझे दिख रहा है वो मेरा आईना है, मैं अपनी शक्ल आप सबके शक्ल पे मैं अपनी शक्ल देख रहा हूं,
इससे बड़ा शाश्वत ज्ञान कुछ नहीं। हैंड राइटिंग भी आईना है बच्चे के भीतर के मन का। जब आप बच्चे की कॉपी देखोगे अपने बच्चे के घर में, ठीक है, तो आपके भीतर से ज्ञान उपजेगा, कुछ पता लगेगा आपको कि हाँ ये बच्चा क्या कर रहा है। तो अगर उसकी राइटिंग खराब है तो उसको पीटिए मत, डांटिए मत, उसे सवाल करिए कि बेटा मुझे लगता है अगर तुम राइटिंग बढ़िया करोगे ना मुझे बहुत मजा आएगा, मैं ये चौकड़ा अगले संडे ना डबल कर, ऐसा कुछ बोलिए। प्यार की गेम खेलिए आपके साथ। भगवान कसम से कह रहा हूं वो बच्चा बिना किसी गुरु के ज्ञान के राइटिंग ठीक कर दे। लेकिन बच्चा मेरे को कहता पापा मेरे को लगता है मैं नौकरी में
मैं कर नहीं पाऊ। और वो कैंपस प्लेसमेंट से हुई, नौकरी खुद आई उसके दरवाजे पे। अब ऐसे बच्चे, अब बताओ हमारी, हमें टीचर कम्युनिटी, टीचर के पास ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है ना। अब हालत हमारी ये है, हम अंदर से टेंशन में, हम प्रेशर पेरेंट्स आ गए। मैं तो बच्चे को हम ये भी बोल सकते कि ना तू कर इसको, हमने बोला बेटा कोई बात नहीं, अभी टाइम है, सोचो करो। अब दूसरी बात, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान, आप जैसे मैं बैठा हूं, आप सुनने वाले मुझे भी कंपेयर कर देंगे कि किसका जैसा बोल रहा है, कि कैसे बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग में बैठी हुई है, इसका नुकसान है। जो कंपेयर कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रही क्या बोल, जो मुझे नहीं कंपेयर कर रहे हैं उनको कुछ समझ आ रहा है, बोलने वाला क्या बोल रहा है इस पे जाइए, कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसे मत जाइए, ये क्या बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे बकवास कर रहा है, उसको सुनो, ये बकवास कैसे, ये बकवास कहां से, उसमें आपको कुछ अच्छी बात नहीं समझ आ जाएगी। तो आपका ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप प्रेशर नहीं भी देंगे बच्चों को, आप तो मत दीजिए प्रेशर, क्योंकि जब स्कूल में जाते हैं ना, क्लासरूम में ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। तो कम से कम आप घर में जो है ये काम, बच्चे ऑलरेडी जब स्कूल में जाते हैं वो बहुत प्रेशर में आते हैं, आपको नहीं पता, ऑटोमेटिकली बहुत प्रेशर में आता है, फर्स्ट कौन आएगा, सेकेंड कौन आएगा, ऐसे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। हम दुनिया की हवा नहीं रोक सकते,
हम अपनी हवा को प्योरीफाई कर सकते हैं, अपने घर के अंदर प्योरीफाई लगा के, ठीक है जी। तो आप अपने घर में आप प्योरीफायर बन जाओ, आप प्योरीफायर बन जाओ। आई कैन टीच यू हाउ टू डी दैट। मैं आपको सिखा सकता हूं कि आप अपने परिवार के लिए प्योरीफायर कैसे बन सकते हैं। आई रिपीट, मैं आपको सिखा सकता हूं, ये टेक्निक है, कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं है, ये सीखी जा सकती है। जैसे बच्चा सीख रहा है, जैसे जैसे उसने एबीसी सीखी है, वैसे ही आप सीख सकते हैं हाउ यू कैन बी द प्योरीफायर फॉर योर फैमिली एंड द सोसाइटी। सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते, सोशल मीडिया तो भी बहुत आगे जाने वाला है, बहुत कुछ डेंजरस होने वाला है, ये ध्यान रखना। वो तो हमारे ब्रेन को हाईजैक कर रहा, हमें पता नहीं लगेगा किस किस के कान कान चिप लगी हुई है और यहाँ बैठे हमें कौन कौन देख रहा है दुनिया के कोने से। ये दौर आने वाला है, ये हम रोक नहीं सकते। हाँ, हम अपने भीतर ऐसा कोई सिस्टम और पैदा कर सकते हैं जो कि ये चिप को हम अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। Yes, और हमारे भारत में एक ये टेक्निक है, ठीक है। ध्यान किसका, दूसरे का नहीं, अपना ध्यान, अपने ध्यान में जाना है, अपना ध्यान करना है, अपने ध्यान से अपने ध्यान को उठाना है, अपने ध्यान से अपने ध्यान को उठाना है, अपने ध्यान को उठा के अपने बच्चे में लगाना है, अपने परिवार में लगाना है, उनकी पॉल्यूशन को खत्म करना है। ये अनफेलिंग है, ये अगर आपने कर लिया ना तो भगवान सीधे आपके भीतर से बोलेंगे, फिर वो भगवान बोलेंगे, ये उर्दू का शायर भी बोल लेता हूं, फिर खुदा खुद तुमसे पूछेगा बोल तेरी रजा क्या है। यानी कि भगवान आ गए खुद धरती पे, आपको ऐसे लगे भगवान खुद आए हैं, मेरे पास बैठे थे अभी, वो बोल के गए बोटा बोल दे क्या चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये वेदों की वाणी है, ये ज्ञान की वाणी है। इट इज पॉसिबल। सोशल मीडिया का क्या है, होने तो अच्छा है बुरा है, हमें इसको डिसाइड नहीं करना, हमने डिसाइड करना है कि हमने अपने माइंड से कैसे हर कचरे को पार करना। अभी आप मेगाजिन क्लब लेने वाले हो, ठीक है जी, ना आइडिया नहीं था पर मैंने कंफर्म करना है कि कभी लेने वाले जी। तो मतलब बच्चों में आईडी कर सकते हाँ, मैं पहले स्कूल प्रिंसिपल था, आप सुन लो, जब से मुझे लगा कि नेम आईडी में झोल है, पूरे देश में ऐसा झोल है, जो पीछे पढ़ा रहे हैं वो घुमा रहे हैं, मैंने बोला ये नहीं चलेगा। तो मैंने जब जो मेरा अपना तरीका जो ये है उसमें तो हमारे पास ये होता था कि बच्चे हमारे इंग्लिश में एक मुहावरा होता था कि मैंने बनाया वो मुहावरा, हम कहते वॉकिंग विद पुअर हैंडराइटिंग वॉक आउट विद इम्प्रूवमेंट, कि भैया गंदी हैंडराइटिंग आइए और इम्प्रूव करके जाइए, तब तक उठिए ही नहीं, मेरा ये मन नंबर एक। आप आइए थोड़ा एक सेंटेंस लिखिए, आप सबको फायदा होगा, आपको
मैं जब टीचिंग में आया, मैं जब प्रिंसिपल की केयर छोड़ी टीचिंग में आया, मैं जब ऐसे मौके देखता था मेरा दिल खुश होता था। मैं ठीक जगह हूँ, मैंने ठीक किया ये काम करके। अब देखो जैसे इनका डर सही है कि कैसे होगा दो दिन, क्योंकि डर इनका सही है। तो क्योंकि आप आए हैं एग्जाम्पल, तो डेफिनेटली लास्ट में मुझे मिलना, मैं आपके बच्चे की इंप्रूवमेंट आपके हाथ में पकड़ूंगा। ये देखो जी आपने काम किया, और मैंने आपके बच्चे पे देखा नहीं है अभी, आप आपका गए तो मैं आप लास्ट में मुझे मिलना 27 को, और मैं आप तब तक मैं जाऊंगा नहीं जब तक मैं आपके सामने आपको रिजल्ट पॉजिटिव सबमिट नहीं करूँगा। ठीक है, ये मैं प्रॉमिस दिया। हाँ हाँ तो अब जैसे मान लो आप देखो यहाँ पर क्या इनका डर क्यों है, क्योंकि इनकी अपनी भी हैंडराइटिंग की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल बात समझिए ना, तो क्या होता है आपने सबने देखा होगा जब लिख रहे थे, आपने सबको समझ आया क्या, क्योंकि मुझे अगर मम्मी ने डराया है बचपन में, मुझे जब मम्मी ने डराया बचपन में बेटा भावनी का नाम दे रहे हैं बहू आ जाएगा, मम्मी ने डराया जब मैं छोटा बच्चा था 3 साल का 4 साल का, शाम को जैसे अंधेरा होता था मम्मी कहती थी बेटा बाहर नहीं जाना बहू आ जाएगा, बस उसके बाद घर बैठ गए, क्योंकि मम्मी को मम्मी मम्मी की मम्मी ने डराया था बहू आता है अंधेरे में, बहू कभी नहीं आता, बहू कहीं होता ही नहीं, हमारे घर से ही पैदा हो जाता है। बात बात में कब हमने बहू खा दिया क्योंकि वो बहू हमें दिखता। तो इसी तरह से अब जैसे मान लो इसमें एक भी कनेक्शन नहीं है, एक भी कनेक्शन नहीं है, तो अगर इसका मतलब ये कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यही है ना लिखने का। तो अब बताओ अगर मुझे यहां से नंदूरा पूछना है, यहां से ऐसे करके ए बी सी यू डी आई लाइक गुड फूड एस आई टी एन ए एन टी, तो कितनी देर में पहुंचूंगा, पक जाऊंगा। अच्छा तो अगर हम बोलेंगे नहीं भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, तो स्पीड के लिए थोड़ी गाइडेंस चाहिए, यहां गुरु क्या ना आता है, जैसे मैडम आप आइए इन्होंने लिखा था, आप आइए आपके हाथों से ठीक कर देता हूं, और जो ये अभी करेंगे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये आपको बताएंगे। तो एक बार ही मेरा इंटरवेंशन ही काफी है। अच्छा अभी इसमें तो मैं कुछ नहीं करा सकता हूं, यहां मैं आपके लिए एक ठीक है ये है एक वर्ड में डालो, एक वर्ड का आपके को यहां पर ऐसे कर यहां से शुरू करना, आपने यहां से नीचे जाना है, ये बेसलाइन से नीचे जाने दो, मान लो ये बेसलाइन ठीक है, यहां से ऊपर नीचे जाए पीछे हो गया, फिर यहां से ऐसे कर दिए ठीक है, तो फिर देखिए मान फिर यहां से आप पेन नहीं उठा, हाथ नहीं उठा, ये यहां गोली मारनी है इधर कर दे, भूल जाओगे माहौल में गोली मार दी, फिर आगे डंडा मारो, फिर गोली मारो ठीक है, फिर डंडा मारो, फिर गोली मारो, गोली मार के ऊपर गए फिर नीचे आओ, समझ आया, नंबर वन इधर जाओ इधर जाओ भूल जाओ, देखो ऐसे किया फिर रुको रुको गाना गाने का मन करता है, गाना गा के सीखता हूँ आपको, देखो
ये है पुलिस का डंडा, ये है मुर्गी का डंडा, फिर डंडा फिर डंडा, आओ सिखाओ मैं तुम्हें अंडे का फंडा, ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चों को क्लास में, गाना भी गाता हूँ। तो अंडे का फंडा, ये अंडे का फंडा, देन आओ सिखाओ मैं तुम्हें अंडे का फंडा, अंडे का फंडा, अंडे का फंडा, आओ सिखाओ मैं। गॉट इट? समझ आया? पक्का लिखोगे तो हाथ कभी कांपेंगे? कॉन्फिडेंट थी ना? नहीं कहीं का, पहले चित्र बने, मैंने तो समझाया। नहीं नहीं यहाँ सीधा होना चाहिए, फटाफट बोलो। ओके ना, यस गुड, हाथ कहीं उठा, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस रैपिंग। अब आप कभी भूले भी तो आपने भी किया हाथों से? मेरे बच्चे में इग्नोर आ गए, इससे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और मैं कर पाई तो मेरा बच्चा जरूर करेगा। Any question please? I want question, questions are interesting over here, sir. Exposure का कितना रोल होता है बच्चे के? एक्सपोजर का बहुत रोल है साहब। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा टीचर मुझे एक बात ना बोलता तो मैं आज किसान होता हिमालय की गोद में। मैं टेंथ के बाद, मेरे पापा बहुत बड़े किसान है, ठीक है जी, तो अपना जाके खेती करेंगे खूब मजे से। तो मैं हर चला रहा था एक दिन खेत में प्लस टू के बाद, तो मेरा जो टीचर है स्कूल मास्टर, कहते मोहन यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो हर चला रहा हूँ। तो कहते क्या हर चला रहा है यहाँ पर? नहीं तू जा कॉलेज। मैं कहा कॉलेज क्या करेंगे, पढ़ाएंगे फालतू में टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा कोई नौकरी नौकरी तो मिलता नहीं है। कहते नहीं छोड़ो, तेरे को नौकरी तो चाहिए नहीं, वो जानता था कि नौकरी मेरे को नहीं चाहिए। कहते नहीं तू नौकरी नहीं चाहिए तेरे को, तेरे चलना सीखे। हेलो बात में जा रही है? कहते जाओ गांव से शहर जाओ, तुम चलना सीखोगे। अगर वो मास्टर जी मुझे ना मिलते ना, मैं किसान मेरे गमछा हो और मैं अपने आज यहाँ पीडीएम में अपने नाती पोती की पीडीएम में होता। तो एक्सपोजर का इतना फर्क पड़ता है कि आज मैं कह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट जो है आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले, कोई आईपीएस है कोई एएस है, चंडीगढ़ का नहीं पूरे देश में फैले हुए, मुझे पता भी नहीं कहाँ। तो एक्सपोजर का ये फर्क होता है, बच्चे को अच्छे काम के लिए कभी मत रोको। और दूसरी बात है बच्चों से बोलता हूं मैं, कहा बच्चों आप अपने आप से पूछो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना उसके लिए माँ बाप की परमिशन जरूरी नहीं है। उनको बताओ कि मम्मी ये करने वाला हूं, मुझे इससे ये फायदा होना है, लेकिन वो सच में सही काम होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक्सपोजर का बहुत रोल है। एंड आई वांट टू इनवाइट मोर क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चन। सच में रोइए जैसे भगवान के आगे रोते हैं, भगवान मेरा कुछ कर दोगे। बच्चों के आगे आप ऐसे न जाओगे, बेटा ऐसा है मेरी बहुत इच्छा है, जब आप मैं चाहता हूं कि आप पहले खाना खाएं, खाना खाए
खाना खाइए, काम करिए, ये मोबाइल टीवी वगैरह बाहर से देखो, यहाँ से शुरू करो। पहले आप यहाँ से बाहर में देखो, मना मत करना, पहले बाहर में देखो, वाला हो जाएगा, फिर वो मान जाएगा, उस दिन में हो जाएगा पक्का। तीसरी बात यह है कि आप भी थोड़ा उनके सामने मोबाइल की एक्टिविटी कम रखिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे उसको मोबाइल करते हुए, इसका बहुत असर पड़ेगा, जल्दी आपकी बात मानेंगे, जल्दी छोड़ देंगे। क्योंकि हम रोल मॉडल होते हैं, जैसे एक बड़ी प्रचलित कथा है, गांधी जी के पास एक माता जी गए थे अपने बच्चों को लेके, कि ये माता कहते गांधी जी चीनी खाता है बहुत ज्यादा, इसको बोलो चीनी ना खाए। मतलब तो गांधी जी ने कहा है ये तुम्हारे, कहते आप 15 दिन के बाद, ठीक है जी। तो गांधी जी को फिर उन्होंने पूछा कि आपने 15 दिन के बाद आने को क्यों कहा 15 दिन के बाद, कहते मैं भी चीनी खाता था, क्योंकि मैं जब तक खुद ही छोड़ता हूँ मैं उसको कैसे समझाऊंगी चीनी कैसे। कहने का मतलब यह कि आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे ज्यादा मोबाइल में ना फंसे रहे, तो आप उनके साथ में मोबाइल जो है वही काम यूज करिए जो जरूरी है। आज तो मैं व्हाट्सएप या चैट करें मैं मत दिखिए बच्चों को, फिर बच्चा बोलेगा मैं नहीं ये सीधा से नहीं। हाँ आप बोलिए व्हाट्सएप को हर सेकंड की नजरों से दूर बैठे मैम, अभी कोई बात है कि सबसे ज्यादा जिद वो बच्चे करते हैं जिनके माँ बाप बच्चों के पढ़ाई करो पढ़ाई करो, खुद अपना उनकी या तो दोस्तों से बातें करते रहेंगे और या वो खुद ही उनकी एक्टिविटी में लगे रहेंगे, लेकिन वो बच्चों कहते तुम पढ़ाई करो खुद मोबाइल में, ये समझ आपको पहले खुद उनके साथ स्टूडेंट बनना पड़ेगा, उनका आप उनके उनको उनके बैग के साथ बैठिए, आप मैं तो स्टूडेंट भी I sit with them for 2 to 4 hours and play with them also and after 3 hours more also. आप इसी इस प्रयास को जारी रखिए और अपने अंदर मनन कीजिए कि how can I do it? I have to. और आपके भीतर सबसे बड़ा गुरु है आत्मा, आप अपने बच्चे के नाम जानते हैं। अपने बच्चों को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, देखो अपना एक रिएक्ट करते सिस्टम है, एटमोसफियर है या जो चल रहा है उसको अपन रिएक्ट करते हैं। और कहने के लिए तो अपन बोलते हैं कि नहीं हम बच्चों पे दबाव नहीं डालते, वो जैसा करते हैं, लेकिन जब वो बाल भी होता है तो सब जाके वही है डॉक्टर इंजीनियर। ये एक्चुअली सबसे बड़ा टीचर जो क्लास टीचर रहता है उससे बेटर कोई एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे का नहीं दे सकते। हम लोगों का जो पेरेंट रहते हैं कंडीशन रहते हैं सोशल सोसाइटी के लिए सिस्टम के लिए, लेकिन टीचर आइडियली बच्चों को पहचानते हैं अपने क्या है। तो मेरे हिसाब से स्कूल और एजुकेशन सिस्टम का ये रोल है बच्चे ने क्या बनना चाहिए उनका देने का। आपका आंसर बढ़िया है, आपको मैं एक बार बताऊं, मैं आपको बच्चे की ग्रोथ में खाली पेट स्कूल का कोई रोल नहीं हो सकता, सिंगल नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा स्कूल बच्चे के लिए उसका घर है, क्योंकि सबसे पहले उसने वहां जन्म लिया, उससे पहले 5 साल वो वहां कुछ बेसिक हैबिट सीखता। मेरे को याद है मैं एज ए टीचर मेरे स्कूल में एज ए प्रिंसिपल था, तो एक बच्चा मेरे टीचर की बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, तो मैंने बच्चे को कुछ नहीं बोला, मैंने पेरेंट्स को बुलाया, मैंने कहा आपका बच्चा मेरे टीचर के बारे में ऊंची गलत लहजे में बात कर रहा, मैंने कहा आप बच्चे के सामने टीचर की बुराई क्यों करते हो, मैंने ऐसे बोला, मैंने पूछा नहीं उनके आप करते हो, मैंने बोला। तो आज की पहले तो हम डंडा भी मारते थे, आज तो सीबीएसई के रूल है कि बच्चे को टच नहीं कर सकते, घूर भी नहीं सकते, आज टीचर के हाथ बांध दिए गए आज। इसलिए आप जैसे पेरेंट्स को आगे आने की जरूरत है, आप जैसे पेरेंट्स को टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है कि उनको एक एम्पावर करेंगे कि हम आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और हम जैसे पार्टनरशिप का रोल, पार्टनरशिप चाहिए, पेरेंट्स और टीचर का पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, तब बच्चा कर पाएगा। क्योंकि बच्चे की एक होलिस्टिक ग्रोथ जो है सिंगल हैंडेडली नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना।
क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट ग्रुप प्लीज। देखो एक क्वेश्चन सबको हल करना है, इस पर एक क्वेश्चन देखो जी आपको बता दूं, जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ लोग विश्वास करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, मैंने जब 86 में पढ़ाना शुरू किया था मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि कहीं शिक्षक जो है मन से शुद्ध होना चाहिए और शिक्षक भी शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता बुद्धता उसके चक्कर में मैं जब पढ़ाता था बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने समझा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में एक तरीका छुपा हुआ है, मेरे पढ़ाने के तरीके में एक तरीका छुपा हुआ है। उस तरीके को मैंने अलग किया, उसका नाम मैंने रख दिया योगा ऑफ माइंड, योगा ऑफ माइंड माइंड। हाँ, कल ये हम बच्चों को बताने वाले हैं, कल जो हैंडराइटिंग में पढ़ाने वाला हूँ मैं उसमें योगा ऑफ माइंड का तड़का लगाता हूँ पूरा पूरा। पहले सिखाऊं तो पहले उनको मैं कॉन्सेंट्रेशन सिखाऊंगा और उनका ध्यान, वो बैठे 3 घंटे वो ऐसे बैठेंगे हिलेंगे नहीं, यहाँ पर वो बैठने वाले। आपका बच्चा जो कहते मेरा बच्चा बैठता नहीं है, आपका बच्चा यहाँ 3 घंटे बिना हिले डुले बैठने वाला है, यहाँ बिना किसी फोर्स के बड़े प्यार से वो बैठेगा। मेरे को 20 मिनट के अंदर उनको मैंने सिखानी है टेक्निक की बेटा अपने आप में ध्यान कैसे लगाना है, अपने काम से काम कैसे लगाना है। आपका क्वेश्चन तो ये हम योगा माइंड से उनको कॉन्सेंट्रेशन और स्टडी स्किल सिखाते हैं योगा माइंड के माध्यम से। कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टडी स्किल, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ध्यान लगाना, स्टडी स्किल का मतलब है पढ़ाने पढ़ने की कला, आर्ट ऑफ स्टडी यू कैन सी। वो स्किल जो है हमें वो बिल्ड करनी पड़ेगी, एक्चुअली नहीं होती सब बच्चों में। इसीलिए बच्चे हम बच्चे जब वो छोटे होते थे सिर्फ बंदर की तरह होते, वो चल कूद करते रहते, ठीक है ना। तो उसके बाद उनके अंदर वो स्किल जो है डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेन करनी पड़ती है। तो मैं तो अपना तरीका ये है कि मैं आपको योगा ऑफ माइंड कराता हूँ। ये वही योगा ऑफ माइंड है जो कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया, भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था मैंने उसी से प्रेरित होकर के ये सिस्टम बनाया योगा ऑफ माइंड। और मेरा ध्यान करने का तरीका वो नहीं है जो आप लोग घरों में करते हैं, जो आप आपके साधु महाराज ने कराया है, नहीं, मेरा उससे हटके है। मेरा ये ध्यान करने का तरीका है जैसे बच्चे के हाथ में कॉपी है, जैसे आपके गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर में ध्यान लगाओ, आपके गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर में ध्यान लगाओ, ईश्वर का ध्यान करो। मेरे बच्चों को बोलता है ये तेरी कॉपी है, इसमें ईश्वर है, इसमें ध्यान लगा। और जब आप ईश्वर में ध्यान लगाते हैं मेरा स्टूडेंट कॉपी में ध्यान लगा, और मेरे बच्चे का ध्यान जब कॉपी में लगता है जैसे आपका ईश्वर में ध्यान लगता है आपको पावर आती है वहां से, मेरे बच्चे वहां से अपनी कॉपी से पावर ट्रेड करते हैं। देखो ये बात आपके शायद समझ नहीं आएगी, मैं अपने शब्दों से समझा रहा हूं। तो अच्छा अगेन आपका आपका जो क्वेश्चन सुनिए, तो बार बार आप जो याद कराते हैं उस बच्चे को याद नहीं रहता है, आपको तरीका बदलना पड़ेगा, आपको उसको एग्जाम्पल करने का देना पड़ेगा। मैं बच्चे को गिलास, मैं चाहता हूं गिलास के बारे में 10 बातें जाने। मेरा बच्चा मान लो सेकंड क्लास का बच्चा है, अगर मैं चाहता हूं कि वो गिलास के बारे में उसे मान लो ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है क्लास में, तो गिलास के बारे में 10 बातें जानने के लिए मैंने उसको प्रैक्टिकली कुछ कराना है। मैं तो ये गिलास है ये स्टील का बना हुआ है, फिर बोलो स्टील कहां से आती है, उसको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। यहाँ सोशल मीडिया का बेस्ट यूज आ गया, आपको सोशल मीडिया में स्टील कैसे बनता है, ग्लास कैसे बनता है, ग्लास कहां जाता है, इसका बेस्ट उपयोग यहाँ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया खराब नहीं है, हाउ यू यूज इट, कैसे इसका इस्तेमाल करना है आपको, ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी विंडो है। तो आप अपने बच्चे का जो पढ़ने का पढ़ाने का तरीका उसको बदलिए, उसको आप प्रैक्टिकल करिए, थ्योरी में थ्योरी से भूल के आप। जो तरीका आपने बताया मैंने नहीं कहा था, प्रैक्टिकल याद हो जाता है, लेकिन जब तक एग्जाम या अगर एग्जाम में बहुत टाइम है तब तक वो भूल जाएगा, फिर से ध्यान लगाना पड़ेगा। मैंने अगर अभी
रुको, मैंने माना कि आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हो अभी। मैडम से पूछो कि अभी भूलेंगे, पूछो उनसे, पूछो खड़े होके बताइए मैम, क्या आप कभी भूलोगे जो मैंने आपको करा दिया एक बार? हाँ, तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा मैम एज ए मदर कि मेरे बेटे में क्या गड़बड़ है। योगा माइंड हम ये सिखाते हैं, योगा माइंड हम ये सिखाते कि मेरा कारण कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है। मान लो मेरा आपसे झगड़ा हो गया, योगा माइंड में हम ये सिखाते हैं, मान लो आपने मेरे से झगड़ा कर लिया, आप गलत है लेकिन आप फिर भी जीत गए, लोग ऐसा करते ना कहीं, फिर भी मैं घर में आगे बने रहूंगा, मैं रोते रहते ये नहीं बोलूंगा है उसने मेरे को झगड़ा दिया और मेरे दिन नहीं, मैं अपने सोचूंगा मेरा रोल था ताकि उस आदमी ने मुझे बेइज्जत कर दिया या मार दिया कुछ भी कर दिया। मैं बार बार उसी क्वेश्चन में आपको जब तक भी आंसर नहीं मिलता, योगा और माइंड फुलनेस सिखाते हैं, हम सिर्फ अपने आप को पहले देखते हैं समझते हैं फिर हम उसको अनपावर करते हैं, फिर हम आपसे झगड़ा नहीं करते हैं। आप चाहे झगड़ा कर भी करने कर लेना भी चाहोगे आप इसे झगड़ा कर नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपने करने में कहां गलती है, आपके पढ़ाने में कहां गलती है यार, ठीक है ना, आपको जब ये बात समझ आ जाएगी ना आप अपना तरीका बदल लोगे, आप तरीके बदलते रहिए, आप तरीके बदलते रहिए, आपके भीतर सबसे बड़ा गुरु है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अच्छी तरीके से स्टेज पे और ज्यादा अपनी बुक्स खुद परचेज करके आती थी, हम उसके साथ कोई व्यक्ति भेज देता भरोसे का, तो वहां से मेरे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा उसका सारे बुक्स हर साल सेकंड क्लास से मेरा बच्चा अपनी बुक्स यूनिफॉर्म सब खरीदना उसको लाइन में, ये एक्चुअली मैंने किया जिसकी बात मैं पहले भी कर रहा था आपसे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस काम करने से बढ़ता है, ज्ञान सुनने सुनाने से नहीं बढ़ता। आप उस बच्चे को ऐसे नोट में डालिए, उसको ऐसे रोज काम करने उसको बोले ये काम करके आ बेटा, तो आपको उसको ऐसे रोज देने पड़ेंगे ताकि वो लगे कि हाँ मैंने मुश्किल काम कर लिया, वैसे कॉन्फिडेंस आता। और दूसरी बात है, कभी अगर मेरा संयोग हुआ यहाँ पर ट्रिपल रही प्रेम जी की, ठीक है ना, अगर मैं दोबारा यहाँ आया अभी फुर्सत में या छुट्टियों में, मैं पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों के साथ एक वर्कशॉप लगाऊंगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग योगा माइंड कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज के फुल डे, ठीक है ना। इसमें मतलब मैं मैडम से बात करूंगा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स को गाइड करना मेरे लिए गुरु प्रसाद है, ठीक है ना। तो उसमें हम दो तीन दिन के शिविर में प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि हाँ आओ ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन प्लीज सर। देखो मैम ये ईश्वर की गेम है जो ऐसे शुरू होती है हर घर में होती है, तो ये गेम बढ़ती बढ़ती आगे कहीं कहीं डेंजरस भी हो जाती है, लेकिन आप हमेशा ही अपने बच्चों को आप उतना ही दीजिए जितना आप आराम से दे सकते हैं बड़े लोग करके, ताकि उसकी अननेसेसरी डिमांड ना बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको धीरे धीरे समझाइए कि बेटा ये हमेशा नहीं चलेगा, अभी तो आप ले लो, अगली बार ये नहीं कर पाऊंगी तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी, काम करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे उसको ये बात बीच में दे दो, साथ ही बात बोल दो बेटा अगली बार ये हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाएंगे, ये अननेसेसरी है, गलत है, आप गलत कर रहे हो, इसलिए नहीं दे रहे कि आप जोर से बोलो गुस्से से बोलो, मुझे बोलो कि आप मेरे बच्चे को प्यार से बोलो, लेकिन आपका तरीका गलत है, उसके तरीके कुछ चीज उसको गेम मत खेलने दो, गेम रिश्तों की गेम ऐसे नहीं चलेगी, रिश्तों में ये हुनर नहीं चलते, ऐसा करेंगे आप तो वैसे करेंगे, ये इससे रिश्ते जो है इसमें लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं बड़े होकर बच्चे, ऐसे इन्हीं के बच्चे भी बड़े होकर माँ बाप के साथ बहुत लड़ाई झगड़े कह जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने कहीं आसमान से तो सीखा नहीं है, अगर आप ध्यान लोगे उनकी आदत या तो आपसे मिलती है या उनके पापा से मिलती है,
या उनके दादा दादी मिलती है, फिर वो देखना कि असली कल्प्रिट तुम बोलोगे, वहां से सीखा है हमने। फिर आपको सलाह अपनी हसन भाई को वो बच्चों से अलग मीटिंग करने के, देखो भैया माई आपके बच्चों में दिख रही है, आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे मैं कहता हूँ सबसे बड़ा स्कूल घर है। देखो स्कूल में तो बच्चे 6-8 घंटे रहते हैं, उसको घर में कितने घंटे रहते हैं, 24 घंटे। स्कूल में जो आप भेजो, लेकिन आप स्कूल के साथ अपनी भागीदारी अपनी जिम्मेदारी को हमेशा जिंदा रखिए। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफी मेहनत करते हैं जी, लेकिन तो भी हम सुनना चाहेंगे कि कुछ बोल्डर रूल्स पेरेंट्स को मिले आपके टिप्स। सर इनका कहना है कि पेरेंट्स के लिए क्या कुछ टिप्स दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बात बहुत समझिए, कि बच्चे हमारे नहीं होते, सच बता रहा हूं, बच्चे हमारे नहीं होते, बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, ठीक है जी, बच्चे ईश्वर का प्रसाद है, हमारे थ्रू जन्म हुए हैं, ईश्वर की संतान है, बच्चे ईश्वर की संतान है, हमारे घर में ईश्वर आता है जब बच्चा पैदा होता है, हमारा बच्चा वो बच्चा नहीं होता, जब हम उसको अपना बच्चा बनाने की कोशिश करते हैं वो बिगड़ जाता है, वो पता नहीं क्या बन जाता है, आप देखो समाज में इसलिए प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप बच्चे को ईश्वर के संतान की तरह पालोगे, क्या वो खराब बिगड़ेगा? अगर आप बच्चे को ईश्वर की संतान की तरह पालोगे, क्या वो बच्चा बिगड़ सकता है? अगर आप बच्चे को ईश्वर की अपने बच्चे को ईश्वर की तरह संतान समझ के पालोगे, क्या वो बच्चा बिगड़ सकता है? बताओ। मेरे एक बेटी का नाम है स्पिरिचुअल बेबी, आज भी बोलता हूं जिसका जिक्र हुआ था, आज भी स्पिरिचुअल को भी बोलता हूं, आज मुझे उड़ के कहती है पापा आपको नहीं पता आपने हमें क्या बता दिया था, कहते बाहर पता लगता जब लोग हमसे गाइडेंस देते, अब आपकी बातें काम आ रही। मैंने कहा बेटा आप मेरे बच्चे तो हो ही, आप तो भगवान के बच्चे हो, सच में आज भी मैं इसीलिए मैं यहां आजाद हूं, मेरे बच्चे तेरे नहीं है, वो ईश्वर के बच्चे, और मेरे बच्चे चाहे वो बेटी है वो 10-50 लोगों को खाना अपनी कमाई से खिला सकती है, अभी उसकी उम्र 20 साल, अभी से काबिल हो गई है, वो 50 लोगों की रोटी खुद कमा के खिला सकती। अगर आप अपने बच्चे को ईश्वर की बच्चे की तरह पालेंगे, उसके अंदर वो गुण दिखेंगे आपको, मुझे इसमें कोई शक नहीं। शक तो हमारी नियत में होता है, मां बाप की नियत में, हम ही लालची हो जाते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ ऐसे छोड़ने की अंडे की मुर्गी समय एक अंडा देने वाली मुर्गी समझ देते हैं, बच्चे को मशीन बना देते हैं, बच्चे को फिर पता नहीं। आप देखना कोटा में बच्चे पढ़ने जाते हैं, सुसाइड करते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं, बहुत बच्चे कोटा में पढ़ाई करने जाते हैं, न्यूज पढ़ते होंगे आप, उसमें वो माँ बाप बोलते माँ बाप मम्मी पापा आपने हमें धोखे से इस ट्रैप में डाल दिया, बोलते बच्चे ये बोल रहा है मम्मी पापा आपने हमें इस झाड़ में लटका दिया, हम गिर गए, ऐसा सुसाइड में लिखते हैं, बोलिए IIM में जाके लिखते हैं, IIM में जाके वहां तक पहुंचते जाते हैं, कोई बच्चे IAS ऑप्शन बन के सुसाइड कर रहे हैं, कहते मां बाप आप हमने आपने हमें किस देश में लगा, ये तो मेरे काम की नहीं। आज मैं कहता हूं बच्चा कुछ मत, बस खुश हो, आप अगर ईश्वर के बच्चे को पालना है ना तो आपके मुंह से ये निकलना चाहिए बेटा खुश हो, बेटा खुश हो, हम अभी हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा कोई बात नहीं मैं कर देती हूं, खुश हो, ये करना पड़ता। मैंने कहा ना रिश्तों में भूलना पड़ता, खुद को मर्यादित करना चाहिए। देखो आप वैसे भी
कंट्रोल्ड ये घरों में मुस्लिम हो सकते या कोई भी कहेगी हम सभी कंट्रोल है ना फैमिली के सभी, तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए, आप कुछ बर्बर करो पूरे और बिल्कुल संत की तरह काम करिए, अपने बच्चों को ईश्वर के बच्चों की तरह पालिए। सबसे बड़ा मंत्र संग्रह टिप्स है, इसी के अंदर सारे टिप्स है, इसी टिप्स के अंदर ये महाटिप्स है, रेज योर किड्स लाइक द डिवाइन सोल्स एज इफ दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। खलील जिब्रान एक पोएट रहा है, उसका ये फेमस पोएट है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू, आपके बच्चे आपके नहीं है, ये आपके माध्यम से आगे तो है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन लॉन्गिंग एंड डिजायर, वो अपनी इच्छाओं के एक है। ठीक है ना, मैं अपनी बेटी को पहले आप दादाजी के मेरे बच्चे का क्योंकि पेरेंट्स का है तो मुझे एग्जाम्पल अपना ही देना है अपना, तो मैं हाय पापा मैं आपकी बेटी हूँ समझो, देखो मैं कहता तू मेरी बेटी नहीं है, तू अपनी इच्छाओं की बेटी है, ध्यान दीजिए, हाय पापा ऐसे मत बोलो, आप क्या बात करो गुस्से हो जाए, मैं बेटा तू जब बड़ी हो जाएगी तू बोलेगी मैंने क्या बोला, मैं कहता तू मेरी बेटी नहीं है, तू अपनी इच्छाओं की बेटी है, सबको सुनाई दे रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे हमारे नहीं होते, आपकी बेटियां आपके बेटे वो अपनी इच्छाओं के पिटारे, बोलो ठीक बोल रहा हूं मैं, ठीक बोल रहा हूं मैं, आप जो अपना माँ बाप घर पर छोड़ के आए हैं आप में कौन सा अपने माँ बाप का ध्यान रख पाए, जो सिस्टम बना है जो संस्कार बने हैं जो जो जगत व्यवहार बना है हम कहां कौन किसका ध्यान रख पाए, आप तो पीछे छोड़ाए ना पेरेंट्स को अपने, यही बात ये बच्चे भी करेंगे, इसे इनको भगवान के बच्चों की तरह पालो, ये पांच टिप्स है। दूसरी टिप्स ये है कि जब बच्चा घर आता है और आप चाहते हो फिर से सोशल मीडिया पे ना जाए टीवी ना देखे, वो माहौल बनाओ घर में ताकि उसका हिम्मत ना मिट जाए, तो रिमोट छुपा लो, छुपाओ मत घूमो क्या रिमोट, सच में घूम कर दो रिमोट, घूमो क्या बेटा घूमो, कुछ ऐसे तरीके मीठे मीठे बाहर बनाने पड़ते हैं, और होमवर्क करना है बच्चे का उसके साथ खुद बैठो उसके साथ बैठो, ये मत करो होमवर्क कर दो बैठिए पूरा दिन भर के सारे काम निपटा के कुछ टाइम बैठिए उसके अंदर, पार्टिसिपेशन से काम हल्का हो जाए, जब आप बैठेंगे उसका बच्चे को उत्साह बढ़ता है, क्या मूवी बैठिए साथ बड़ी बातचीत होती है, उसका जो होमवर्क जो है उसका बड़ा इंस्पिरेशनल हो जाता है, वो इंस्पायर होता है अच्छा पूरा करने के लिए, उसको टाइम से कंप्लीट करता है, ये गुरु मंत्र बड़े गुरु मंत्र है। आप माता पिता हो बच्चों के, जो पेरेंट्स बच्चे को टाइम देते हैं दिन दो हफ्तों में चाहे आप जितने मर्जी बिजी हो, वो बच्चे सच में ईश्वर के बच्चों की तरफ पलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बच्चों को वो काम में आगे लगाओ, चल बेटा ये काम कर दिया जरा, चल बेटा ये काम करेगा, ये मत बोला तुम ये नहीं कर सकते, नहीं हमने करके देखो, वो थोड़ा गलती भी करेगा, ठीक है। तीसरी बात है रेगुलर बच्चे से पूछो बेटा आज क्या कराया स्कूल में, एक एक चीज पूछो, आज क्या कराया सोशल स्टडी में क्या हुआ इंग्लिश में क्या हुआ, हर चीज की डिटेल डेली पूछो, और ऊपर से और एक सवाल पूछो, अच्छा बता कैसे पढ़ाया टीचर मुझे भी समझाया जरा, अगर वो समझा सकता है समझो बच्चे ने ध्यान लगाया क्लास में, अगर वो नहीं समझा पाया नहीं मम्मा ये बात अभी मत करो समझो उसको क्लास में भी कपड़े मारा, आप जिसके बच्चे एनडीटी वर्कशॉप में आएंगे ना ये क्या होने वाला, मैम मेरे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को पढ़ाने वाले हैं घर में, आपको फिर बात आएगी ऐसे मेरे स्टूडेंट मेरी वर्कशॉप के बच्चे जो है आपको बताएंगे करके कि मम्मी हमने ये भी सीखा ये भी सीखा ये भी सीखा, आप बोलेंगे हाँ ये हुआ, तो ये चीजें आपने टिप्स कहीं बाहर नहीं है एक मिनट, अच्छा जैसे YouTube में आजकल हर कोई बात कर रहे हैं, मेरा भी चैनल है, मेरा चैनल है अगर मेरे नाम से है हैंडराइटिंग मोहन ने दोनों में, वहां मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सोचो मैं यहां इतनी देर बोल रहा हूं तो YouTube में भी तो बोल सकता हूं ना, मैं नहीं बोल रहा, मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स मेरे बारे में बोल रहे हैं, आप जरा ध्यान से देख लो उसको, तो यानी के उसको आप पार्टिसिपेट करो उस बच्चे के साथ ताकि वो करके दिखाए दुनिया, ठीक है जी, तो ये हो गए टिप्स, और कोई आखिरी बात
तो अब मुझे लगता है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरी मेरे को लग रहा है अंदर से सुन लो मेरी बात, ये वर्कशॉप में दो दिन किए उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा, मेरी कोई मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से कि कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करो ताकि मैं अगर मैं दोबारा आया तो जिन बच्चों में दो दिन में पढ़ाऊंगा उनको मैं रिवीजन क्लास दोबारा दूंगा फ्री होगी होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं 6 महीने वाला हूँ चाहे 8 महीने वाला हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ से आऊंगा जब भी आऊंगा, मेरी आना आसान नहीं है 1600 किलोमीटर दूर से। अभी तो सर हमारी 3-4 साल से बात चल रही थी जब से जाके अभी आना है। मेरे को तो पहले सर बुलाने वाले थे, ध्यान दीजिए मेरे को सर नहीं बुलाना था पहले, लेकिन पता नहीं मंजूर कैसे ये आप आ गए। तो मेरी आपसे ये प्रॉमिस है मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दोबारा भी लाया जाए कोई छोटी सी दूसरी कोई वर्कशॉप, चाहे मेरा आने जाने का किराया दे देंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं जिन बच्चों को मैं कल पढ़ा के जाऊंगा 27 तारीख को यहाँ से उनको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा ताकि उनकी स्किल बेटर हो, ताकि आपको लगे कि नहीं इस व्यक्ति ने जो बोला है वो किया। और योगा हमारे लिए हमारा एक मंत्र यही है कि भैया हमारे वचन और कर्म में फर्क नहीं होना चाहिए। आपके लिए भी एज ए पेरेंट्स आप अपने सामने बच्चों का बच्चों के सामने अपना रोल मॉडल ये बनाइए, आपके वचन और कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए तो भगवान आपके बच्चे काबू में। मैं अपनी वाणी को व्याप देता हूँ यहाँ पर, तो मैं मुझे अच्छा लगा आपने इतना टाइम निकाला और आसान नहीं है इतनी गर्मी में आना इतनी दूर से, थैंक यू वेरी मच। जो इंसान बाय फ्लाइट ट्रैवल करते हैं उनको ये बताना कि ट्रेन से आना है आपको, ट्रेन जर्नी करना है और यहाँ आके रहने के लिए उस लेवल का हमारे पास में मॉडल्स नहीं, तो ये सर को 3 दिन यहाँ रखना कैसे, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस को लेके मैंने इस चीज को स्किप कर दिया था बाद में कि नहीं ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, लेकिन जब कोरोना के बाद में जब बच्चे आए और उनकी हैंडराइटिंग जब देखी तो फर्स्ट में मुझे मॉम सर की याद आई कि नहीं अब मॉम सर को तो मुझे लाना ही पड़ेगा फिर उसके लिए कुछ भी हो जाए। पिछले मैं 9 महीनों से सर से ये बात कर रही हूँ कब हम इस चीज को प्लान कर सकते हैं, कब हमको डेट मिल सकती है और फिर उसके बाद में हमारे बच्चों का एक्सेप्टेशन उनका और पेरेंट्स का भी एक्सेप्टेशन ये सब चीजों को करते करते आज की डेट हमको मिली। और क्योंकि प्रेम जी से इनका बहुत लगाव था तो इनका एक कोई डिमांड थी कि मुझे 25 फरवरी या 25 कोई भी तारीख को आप बुलाना है, क्योंकि ये अपने हर सेमिनार पे यूट्यूब पे अपने चाहते हैं उनको देखते हैं उनको पता है कि हर 25 को हम लोग कोई ना कोई सेमिनार या वर्कशॉप रखते हैं, तो ये उन्होंने अपना एक्सेप्टेशन दिया कि नहीं मैम मैं आना चाहता हूँ और उसके बाद में ये योग बना। और इनका जो मास्टरी है हैंडराइटिंग में तो है ही है लेकिन योगा ऑफ माइंड, अब योगा और माइंड योगा तो हम बॉडी से करते हैं, माइंड का योगा जो करवाना है जब मैंने इनसे डिस्कस किया कि सर ये क्या है योगा ऑफ माइंड तो सर का यही कहना पड़ा कि मेडिटेशन जो हम करवाते हैं मेडिटेशन की जो बेसिक चीज है वो योगा ऑफ माइंड से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम बच्चे को बोलेंगे कि बैठ जाओ और ध्यान लगाओ यहाँ ध्यान लगाओ या कोई भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो वो हम हमारी येलो वाली फिंगर बना के उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो तो बच्चे नहीं कर पाते हैं बोले, तो ये इनका अपना एक खुद का बनाया हुआ डिफाइन किया हुआ एक प्रोग्राम है जो वो कल बच्चों को करवाने वाले हैं। अब यही था कि इनके योगा ऑफ माइंड के भी अलग चार्जेस है और हैंडराइटिंग के अलग चार्जेस है, फिर सर से यही बोला सर अब आप यहाँ आ रहे तो मेरे बच्चों को तो दोनों चीज का फायदा होना ही चाहिए, तो सर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और कल वो हैंडराइटिंग के साथ साथ सर बच्चों को योगा ऑफ माइंड भी करवाएंगे। और ये सिर्फ अभी बातें हो रही है, एग्जैक्ट तो हम लोगों हम देखेंगे 27 तारीख को कि बच्चों की हैंडराइटिंग कितनी इम्प्रूव हुई है। और सर ने ये मुझे आश्वासन दिया है क्योंकि 2 दिन में हैंडराइटिंग कराने वाले ऐसे बहुत लोग हैं
मैंने खुद के कॉन्टेक्ट में ऐसे 10 लोगों के जो जिन्होंने मुझे बताया कि हम एनलाइटमेंट करवाते हैं 2 दिन के अंदर 2 दिन के वर्कशॉप में। पर लेकिन सर को बुलाने का एक ही उद्देश्य था कि सर का अपना एक बहुत लंबा समय हैंडराइटिंग के इम्प्रूवमेंट के ऊपर उसके ऊपर रिसर्च करने में निकला है। तो सर ने वो एश्योरेंस तो दिया ही दिया है कि जब तक एक एक बच्चे का हैंडराइटिंग में इम्प्रूव नहीं कर दूंगा जितने बच्चे क्लास में है मैं तब तक नामजरा छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं। तो ये चीज है और हम भी होप करते हैं कि सर हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग के ऊपर काम करके और उनकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। अब हैंडराइटिंग इम्प्रूव होनी क्यों चाहिए, बच्चा लिख तो रहा है लेकिन यहाँ मैं तो बहुत से लोगों को पता भी होगा कि हैंडराइटिंग करते एक कैसी हो जाती है कि ये सामने वाला जो पर्सन है ये किस तरह का है, इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकल जाता है। ऐसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट स्टडी करने वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि जो बोलते हैं कि बस आप मैडम एक सेंटेंस लिख के भिजवा दो मुझे उस पर्सन का, मैं उसका पूरा नेचर और हर चीज आपको बता दूंगा कि वो किस तरह का पर्सन है। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि हैंडराइटिंग से हम हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं और हमारी पर्सनैलिटी को शो भी कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग कितना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का ये सब यहाँ बैठे हुए लोगों को पता है, इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर हैं। तो एक बार उस चीज के लिए हम सब हमारे लिए प्लान करेंगे। सर ने आज हमें पेरेंटिंग स्किल की बहुत सारी टिप्स दी है, मुझे ऐसे लगता है कि आप सभी लोग जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के बाद हम घर जाने के बाद में मुझे लगता है सबका टीवी एटलीस्ट 5-6 घंटे के लिए तो बंद होगा ही, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ और होना ही चाहिए। जो सर ने बताया वो बिल्कुल सही है क्योंकि एज अ पेरेंट्स मैं भी उसको मानती हूँ कि हम लोग आजकल टीवी मोबाइल व्हाट्सअप बस इसी दुनिया में हुए रहते हैं और जितना हम बच्चों को हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर उतना ध्यान हम नहीं दे पा रहे। तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम बच्चों को समझें और उनको ध्यान देकर भविष्य के लिए बनाएं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना, रास्ता आपको खुद बनाना। सर सर के हस्ताक्षरों के माध्यम से हमें आसमान को छू लेने का रास्ता सर ने बताया है। सर ने बताया है कि हम हस्ताक्षर कैसे सुधार सकते हैं और जैसे कि मैडम ने अभी बताया है कि हस्ताक्षर हमारे एक पहचान होती है। अब कल ही सर ने हमारा सेमिनार किया जिसमें सर ने हमें एक सेंटेंस लिखने के लिए कहा और उससे हमारे नेचर के बारे में सर ने कहा और वो 100% राइट था। तो वो सेमिनार हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि हस्ताक्षर हमारे जीवन में कितना जरूरी है, हस्ताक्षर सुंदर होना। तो मुझे लगता है यहाँ उपस्थित पेरेंट्स को शायद जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हो उनकी इच्छा हो सकती है, तो क्या मैडम मैं आपकी परमिशन से बोल सकती हूँ कि वो ले सकते हैं? जिनकी इच्छा हो कि अपने बच्चों को इम्प्रूव करना है वो पेरेंट्स ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आ गई है। तो मैं मैंने आपको कहा था पहले मैं आराम से प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ सकता था, जब क्लास में जाते हम पिछली तरह हमें वही स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने नंदूरा तो नजदीक है, मैं यहाँ से तमिलनाडु में गया हूँ, कोची गया हूँ, चंडीगढ़ से कोची, चंडीगढ़ से कोची जो है फ्लाइट का खर्चा कम से कम 15,000 रुपये एक सर आना जाना। फिर जब स्कूल वालों से पूछते थे कि भैया तुम कैसे करोगे दो दिन में, यही बात यही बात कहते तुम आओगे भाई तो बदनामी होगी, टेंथ क्लास को एडमिट कर हो जाएगी। मैंने कहा आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या करने वाला हूँ, आप एक काम करिए मैं अपने 30,000 रुपये खूब खर्च के आ रहा हूँ, आप ये ग्रुप बनाइए, आप ये प्रेजेंटेशन करिए। हाँ आप खुद चेक करिए, अगर आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट नहीं दिया मैंने आपको मुझे पैसे मत दे दो। आपने मेरे पीछे देखा? हाँ सर, मैं 21 सालों से इसी तरह
ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैसे उधर हो तुमने? मैंने कहा आपकी समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे करता हूँ ये, पर ये हो जाता है। स्टाइल है, वो स्टाइल
हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इतनी बड़ी हस्ती चंडीगढ़ से नांदुरा जैसे छोटे शहर में आकर विद्यार्थी तथा अभिभावकों को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। थैंक यू सर। आज हमारे इतने सेमिनार्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आती है, जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, इन सब के पीछे हमारे प्रेरणा स्रोत श्री प्रेमचंद जी झांबड़ सर की प्रेरणा आज भी है। जब वो थे हमारे साथ तभी भी हर महीने वर्कशॉप ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग इतने सारे प्रोग्राम्स की आज कंकड़ से एटलीस्ट हमको हीरा तो नहीं बोलूंगी लेकिन एक अच्छा चमकदार ऐसा कांच आज हम बन गए हैं सर की वजह से। तो बस यही सर का मतलब सर थे कभी भी ये सब कुछ था, सर आज नहीं है फिर भी उनकी प्रेरणा हमारे साथ है और उनकी प्रेरणा से ही आज ऐसे ऐसी बड़ी हस्तियों को सुनने का मौका हमें मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। हम इस मौके का फायदा उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं, ये हमारे हाथ में है और हम बना सकते हैं। अगर इस मौके का फायदा उठाकर हम हमारे बच्चों को हैंडराइटिंग जैसे क्लासेस में परमिशन दे बिठाए तो जरूर वो बच्चा आगे चलकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। हमारी संस्था के डायरेक्टर मैम इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके अथक प्रयास से हमें प्रख्यात व्यक्तिमत्व को सुनने का मौका मिला। उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति और निरंतर प्रेरणा के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारी संस्था के प्राचार्य अनुभा मंत्री मैम मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके कुशल नेतृत्व तथा मार्गदर्शन से हम हमेशा प्रेरित होते हैं। थैंक यू मैम जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। ऐसे हमारे आदरणीय पालक हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आप उपस्थित रहे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आप सभी की आभारी हूँ। सदैव एक दूसरे के साथ रहकर काम करने वाले मेरे स्नेही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इनकी भी मैं शतशः आभारी हूँ। आज के कार्यक्रम मान्यवरों के सम्मति से यही समाप्त होता है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।